करनाल के उचानी गांव के रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई है। आरोपों की माने तो युवक की हत्या कर उसका शव करनाल के घरोंडा में फेंका गया है। आपको बता दें कि मृतक की शनाख्त 22 वर्षीय संदीप निवासी उचानी करनाल के रूप में हुई। मृतक युवक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके लड़के का दादूपुर गांव की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे युवती के परिजन नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवती के परिजन युवक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाए, उसके बाद उसकी घरोंडा के समीप डेड बॉडी मिली। वहीं मृतक के परिजनों ने मोर्चरी हाउस से डेड बॉडी उठाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, वह डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरे लड़के की और लड़की की आपस में प्यार हो गया जी, तो मेरा लड़का बोला, लड़की बोली मैं संदीप से शादी करवाऊंगी, मेरा लड़का भी बोला मैं मनीषा से शादी करवाऊंगा। मनीषा स्मृति, मनीषा नाम आजकल दो नाम है, एक स्मृति एक मनीषा जी, मेरा लड़का बोला तो उनके साथ उनकी आपस में हो जाएगी। तो जी उसके माँ बापों ने सोचा, फोन मेरे लड़के ने लड़की से दे दिया, लड़की से फोन दे दिया, उसके बाप ने उसके मुस्सा ने वो फोन पकड़ लिया, फोन पकड़ लिया जी। उस फोन में ऐसे बोले थाने में दे दिया फोन, महिला मंडल में फोन दे दिया जी। दिया फोन और क्या कर, क्यों दिया था ना, मैं स्मृति से प्यार करता हूँ। तो पुलिस वाले तो ये बयान पुलिस वाले थे कर दिया मेरे बेटे ने, एक पुलिस वाले थे, मैडम से बात नहीं हुई जी, कुछ भी मैडम से बात नहीं हुई। तो मैंने सोचा मैं पुलिस वाले थे बयान हो गए, बेटे तो आ जा मैं बाहर आ जाए, तो एक नहीं बैठ जा, वो मैंने बैठा दिया जी उसमें पारगा महिला मंडल के पास ही, उसमें बैठा दिया जी। उससे बाहर आ गया मेरा बेटा, बाहर आ गया मेरा बेटा भी आ गया मेरे साथ, बोले माँ में उरा खड़ा। इतने में वो लड़की वाले भी आ गए, लड़की वाले आ गए जी। उन दो जनों ना, बाबू राम ना और जी सुल्तान ना, मेरे लड़का बड़ो लिया जी। मेरे लड़के से बोले अगर भाई शादी करवाएंगे तेरी, कोर्ट मैरिज करवा देंगे जी। मेरा लड़का उनके बकाए में आ गया जी, उसकी मोटरसाइकिल बैठ गया। मैं बोले संदीप बेटे आज मैं अपने आप करवाऊंगी तेरा कोर्ट मैरिज, मैडम करवाएगी, मैं तेना मैडम के पास फेस कर दूंगी। तो जी वो मेरा बेटा मैडम ना, वो मेरा बेटा बोला ही भाई मैं 5 मिनट में माँ। अब क्या मांग करते हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं जी? अब मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मेरा बेटा मरिया जैसे मेरा बेटे की बुरी हालत करके मारी, तो उसका नशा मना वैसे ही चाहिए जी। मैं तो वो बोले दरखास्त दी हुई थी मेरे भाई की संदीप की, तो हम कल इधर आए थे महिला थाने में आए, वो पेश करना था, हमने कल पेश कर दिया, पुलिस के हाथ में सौंप दिया, अगले ले पेश कर दिया हमने। तो पुलिस ने उस तरह जिस तरह मान ले छोड़ दिया या कुछ करा, तो बाहर आ गया संदीप बाहर आने के बाद पुलिस वाले नाम बिठा लिए, लोगों को हमने भेज दिया बाहर। तो बाहर बैठे थे, फिर जिस तरह मान ले माम आए बाहर, हमने देखा तो मोटरसाइकिल में बिठाने लग रहे, एक तो सुल्तान और एक बाबू राम और उसकी बहू संतरो। वो लड़की पक्ष के हैं? हाँ, लड़की पक्ष के हैं। तो डेड बॉडी कहाँ से मिली आपके भाई की? उन्होंने बोला अग भाई तेरी नहीं कोर्ट मैरिज करवाएंगे हम, तुम्हारे साथ चल। तो फिर मेरी मम्मी ने आवाज मारी अग भाई तो उतर जानू का नहीं, अग भाई आने लग रहा है मेरी थोड़ी देर में। तो उन्होंने यह बात बोली तो डेड बॉडी हमने मिली पूरा करनाल अस्पताल से, करनाल हॉस्पिटल से। हाँ, तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं हुई, वो कार्रवाई तो नहीं होगी। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो मांग चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। तो डेड बॉडी क्यों नहीं उठा रहे? डेड बॉडी जी उठाएंगे जी, सारे गिरफ्तार हो लेंगे। कितने लोग हैं उसमें? 5-6 लोग हैं। 6 लोग हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.